एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स दैट वर्क वंडर, और वो भी सिर्फ 100 रुपीज के अंदर में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहना गिव अ बिग थम्स अप, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पसंद आ सके और भी लोग देख सके, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हो तो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए अब करते हैं अपने वीडियो को। द फर्स्ट वन जो प्रोडक्ट है वो मेरा अब तक का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, मतलब आज से मुझे लगता है 6 मंथ से मैं उसे यूज कर रही हूँ। मुझे वो इतना पसंद है ना कि हाई एंड ब्रांड के अगर फाउंडेशन को मैं उसके साथ ऐड करूँ ना तो फिर वो बहुत ही मतलब हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी उसके सामने उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे जितना ये वर्क करता है। तो मैं बात कर रही हूँ इस L18 की फाउंडेशन की। ये लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है एंड मेरा जो इसमें शेड है दैट इज 03 शेल, ये मेरा शेड है, और ये मेरे शेड के हिसाब से इतना अच्छा वर्क करता है ना, ये बहुत कम ऑक्सीडाइज्ड होता है। जैसे नॉर्मली जो हम फाउंडेशन लगाते हैं ना, कभी कभी आप देखोगे कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, या हम फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा ग्रे हो जा रहा है हमारा चेहरा, या जहाँ पे हमने फाउंडेशन लगाया है वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाया तो पैचेस हो गए हैं। तो इसको लगाने के बाद ऑक्सीडाइज बहुत कम होता है, मॉइस्चर आपके फेस को इतना अच्छा देगा कि थोड़ा बहुत ग्लो भी आपको मिलता है, क्योंकि इस फाउंडेशन में इसमें लिखा ही हुआ है कि लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। तो सच में इसमें थोड़ा सा ग्लो है जो बहुत ही अच्छा एक ग्लो देता है आपको, जो कि परमानेंटली रहता है जब तक आपका मेकअप रहेगा आपके स्किन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक्चुअली में किस तरीके की है। तो आपको कुछ इस तरीके की बॉटल में मिलेगी, आपको कोई भी एप्लीकेटर नहीं मिलता है इसमें, बस एक चीज इसकी अच्छी नहीं है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट बेस्ट है। और मैं कहूंगी कि ये हाइजीनिक भी है, क्योंकि अगर एप्लीकेटर होता है तो हम उसे एप्लीकेटर में डालते हैं फिर लगाते हैं फिर से रखते हैं, तो वो अनहाइजीनिक हो जाता है कहीं ना कहीं। बट इस टाइप की फाउंडेशन क्या होता है कि बस आपको निकालना है एंड आपको बंद करके रख देना, तो ये बिल्कुल भी अनहाइजीनिक भी नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली में ये कैसी दिखती है हमारे स्किन के ऊपर। तो ये यहाँ पे मैंने लगा लिया ऐसे, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ये एक अच्छा खासा कवरेज दे देती है, मीडियम कवरेज आपको मिल जाता है इसको लगाने पे। और आप कभी डेली बेसिस के लिए कोई फाउंडेशन चाहते हो अपने पास तो आप इसे जरूर से रखें अपने पास, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। बटर की तरह ब्लेंड होती है ये फाउंडेशन, तो ये आपके पास एक होनी ही चाहिए, यानी मस्ट हैव प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपको कॉस्ट करेगी जस्ट 100 रुपीज, और अगर आपको डिस्काउंट में मिल गई तब तो और भी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है दैट इज दिस, ये लैक्मे की इंस्टा आई लाइनर। ये इसलिए बाकी से बहुत ही अच्छी है क्योंकि आप मार्केट्स में इतने आई लाइनर देखोगे जो आपको 100 रुपीज के अंदर मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि आप इसमें वाटर भी डालोगे तो ये कहीं से भी स्मज नहीं होता है। एंड इसकी जो टिप है वो इतनी पतली सी है बिल्कुल सुई की तरह कि आप आराम से लगा लोगे। जो बिगनर्स होते हैं उनको आई लाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप बिल्कुल एक स्वाइप में अपना आई लाइनर लगा लोगे बिल्कुल ईजीली। तो ये आपको जस्ट 100 रुपीज की कॉस्ट करती है एंड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसमें एक ब्लू कलर का भी वेरिएंट आता है और वो भी वाटर रेजिस्टेंस है, तो अगर आप वो भी लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, जो भी आपका प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से ले सकते हो। आईलाइनर में एक ऐसा और ऑप्शन है जो आपको जस्ट 90 रुपीज की मिल जाएगी, और वो है ये NYBAE की आईलाइनर। ये आपको 90 रुपीज में पर्पल में मिल जाएगी, और ये NYBAE ब्रांड की है। इसमें आपको क्वांटिटी अच्छा खासा मिल जाता है अगर आप मेकअप बहुत कम करते हो, बट आईलाइनर डेली लगाना पसंद करते हो, कहीं भी जाते हो तो आईलाइनर लगाना पसंद करते हो, तो ये बहुत टाइम तक चल जाएगा क्योंकि इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है और एकदम जेट ब्लैक कलर है और बहुत ही अच्छा लगता है लगाने पे। बहुत ही पतला है, इसकी जो वॉन्ड है बहुत ही पतली है, तो आप आराम से लगा लोगे इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये भी प्रोडक्ट आपके पास बिल्कुल होनी ही चाहिए, वो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये प्राइमर। ये पोर मिनिमाइजर प्राइमर है, जैसा इसमें लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही काम करती है। इफ़ यू आर ऑयली स्किन के पर्सन तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे कि हमारे जो पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं बाकी स्किन टाइप के हिसाब से, तो हमारे पोर्स को फिल इन करना मेकअप करने से पहले बहुत टफ होता है। मतलब मैं खुद जब मेकअप करती हूँ तो मुझे लगता है कि पोर्स बस फिल इन हो तब जाके मैं मेकअप स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर उस टाइम पे आप मेकअप करोगे तो मेकअप आपके स्किन के अंदर जा सकती है जो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो उस हिसाब से ये प्राइमर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये है बहुत ही छोटू सा, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका है ये। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ,
इतनी अच्छी है, एकदम सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड ऑयली स्किन के लिए दिस इज बेस्ट प्राइमर। हमारे पोर्स को तो फिल इन ये करती ही करती है, साथ ही साथ हमारे फेस में जो ऑयल होता है ना उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो अगर आप चाहते हो अपने पास ऐसा कोई प्राइमर, लेकिन प्राइमर आपको 100 रुपीज में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आप कोई भी प्राइमर को ट्राई कर सकते हो या तो ढूंढ सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको अच्छे प्राइमर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये प्राइमर आपको जस्ट 100 रुपीज में मिलती है। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, ये HD पाउडर है, इट्स HD लूज पाउडर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, और इनसाइड कॉस्मेटिक्स के सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मुझे पर्सनली इतना 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 पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये इसके जो पाउडर्स है ना बहुत ही ज्यादा फाइन है। पहले मैं ब्लू हेवन का लूज पाउडर यूज करती थी, तो उसमें जो उनके पाउडर्स होते थे वो उतने फाइन नहीं होते थे जितने फाइन इनके हैं। मुझे कभी ना कभी ऐसा फील होता था कि मेरे फेस पे कुछ है, या बहुत हैवी सा फील होता था, या बहुत ही अनकंफर्टेबल सा होता था, और इरिटेटिंग से भी हो जाती थी कभी कभी उस लूज पाउडर को यूज करने से। लेकिन ये एक ऐसी लूज पाउडर है ना जो बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि मैंने कोई पाउडर से सेट किया अपने फेस को, इतने फाइन है इनके पार्टिकल्स। पाउडर, लूज पाउडर के पार्टिकल्स वैसे बहुत मोटे होते हैं, लेकिन आपको 100 रुपीज में इतने फाइन पार्टिकल्स वाले लूज पाउडर जल्दी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कोई अच्छे लूज पाउडर में इन्वेस्ट कर, तो आप श्योरली इसमें जा सकते हो, ये बहुत ही अच्छी लूज पाउडर है। आपके इस फेस को एक मैटिफाइंग वाला फिनिश भी दे देती है, और साथ ही साथ आपके फेस में जितने भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, स्पेशली ऑयली स्किन, वो कंट्रोल भी बहुत अच्छे से करती है। उसके बाद आप सेटिंग स्प्रे से अपने बेस को सेट कर लीजिए और यू आर गुड टू गो, आपका बिल्कुल भी मेकअप इधर से उधर नहीं होगा। तो ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके पास बिल्कुल होनी ही चाहिए एंड ये मस्ट हैव प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैंने अभी अभी लिया है, अभी रिसेंटली मैंने ट्राई भी किया है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। सो वो ये है, ये लैक्मे की सीसी क्रीम है। वैसे इसका 110 रुपीज प्राइस है, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी। आप ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो, हर जगह पे डिस्काउंट में चलती है, तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी। एटलीस्ट 10 रुपीज का तो आप सब लोग ही देते हैं, तो आपको ये 100 रुपीज में मिल जाएगी। तो ये छोटी वाली वर्जन है, इसका बड़ा पैक भी आता है अगर आप बहुत ज्यादा और डेली बेसिस पे यूज करते हो सीसी क्रीम बी क्रीम, तो आप वो बड़ा वाला ले सकते हो। मैं उतना यूज नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने छोटा वाला, मैं बस ट्राई करना चाहती थी कि एक्चुअली कैसा वर्क करता है, तब मैं बड़े वाले में इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, और ये सीसी क्रीम है, इसमें आपको SPF भी मिलता है जिससे आप धूप में लगा के निकल सकते हो, और इसमें आपको SPF मिलती है 30 PA++। इट मींस इट्स अ वेरी वेरी गुड सीसी क्रीम जो आपको धूप से अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे सकती है। तो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। मेरा जो शेड है दैट इज 01 बीच, इट्स लिटिल बिट लाइटर फॉर मी, हनी लेती तो शायद हो जाता, 02 हनी शेड जो होता है वो मेरे स्किन टोन की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था एक्चुअली कौन सी जाने वाली है, तो मैंने बीज ले लिया। बट इट्स ओके, आप अपने स्किन के हिसाब से लो, अगर आप मेरे स्किन टोन के आसपास वाले हो तो आप हनी लीजिएगा, और अगर मेरे से फेयर हो आप तो फिर आप में बीज चली जाएगी, और अगर आप डार्कर स्किन टोन के हो तो फिर आप ब्रॉन्ज ले सकते, जो भी स्किन टाइप है आप उस हिसाब से लें। तो ये एक ऐसा सीसी क्रीम है ना जो किसी फाउंडेशन से कम नहीं है, लेकिन आपको कवरेज बहुत ही अच्छा खासा देता है। मतलब आप डेली बेसिस के लिए इस टाइप के सीसी क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये एक ऐसा सीसी क्रीम है ना जो मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब मैं ऑयली स्किन की हूँ, तो मेरा क्या होता है हमेशा कि फेस ऑयली रहता है, तो उसको मैट दिखाना ऑल द टाइम मेकअप में भी हमें ऑयली ऑयली या ग्लो या ऐसी चीजें पसंद नहीं है। तो मुझे क्या होता है कि थोड़ा सा फेस मैट भी दिखे कभी कभी, तो इसको लगाने पे काफी अच्छा खासा मैट वाला लुक भी आ जाता है, और साथ में मैं अगर हाइलाइटर वगैरह भी लगा लेती हूँ तो उतना ओवर नहीं लगता है जैसे मैं बाकी फाउंडेशन एंड ऑल यूज करती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं फेस पे तो ऑयल है, लेकिन इसको लगाने में बिल्कुल मैटिफाइंग कर देता है। तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, अगर आप ड्राई स्किन के हो, या कॉम्बिनेशन के लिए भी ये बेस्ट होगी, लेकिन अगर आप ड्राई स्किन के हो तो आप इसमें कोई फेशियल ऑयल या तो मॉइस्चराइजर वगैरह मिक्स करके लगाएं, तो वो बहुत ज्यादा पैची नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको उसको मिक्स करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फुल पैच एक जगह बना देता है आपके फेस की, उसको अगर आप ब्लेंड करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है ना 100 रुपीज के अंदर जो हर एक बिगनर्स के पास होनी ही चाहिए, स्पेशली अगर आप कोई सीसी क्रीम की तलाश में हो तो उसके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट। ओके, अब मैं जो आपको सजेस्ट करने वाली हूँ प्रोडक्ट अंडर रुपीज 100, वो एक ऐसी प्रोडक्ट है ना जो अभी बीच में बहुत ज्यादा हाइप थी और अभी भी है, दैट इज लूज आई शेडो। हमारे पास हमने बहुत सारे आई शेडोज देखे, लेकिन लूज आई शेडो क्या होती है वो मैंने आज तक नहीं देखा था, तो मैंने इसे ट्राई किया। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की मल्टी यूज लूज आई शेडो है, तो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, एंड इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 02 मरीन,
और ये शेड की वजह से ही मैंने इसे लिया, अदरवाइज मैं लूज आई शेडो की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ। लेकिन ये शेड ऐसा ना कि आप भी इसके फैन हो जाओगे। तो ये इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की, एंड लुक एट द शेड। ये शेड ना तो ग्रीन है ना तो ब्लू है, इसके अंदर आपको ग्रीन ब्लू एंड येलो का मिक्सचर, जैसे मोनोटोन इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल इसके अंदर से आपको मोनोटोन सा इफेक्ट आएगा। और ये इतनी प्यारी लगती है ना लगने के बाद आपके आईज पे, आपके आई लुक को ना बिल्कुल पॉप कर देती है एकदम इंस्टेंटली। तो अगर आप ऐसा कोई लूज आई शेडो या तो फिर कोई आई शेडो चाहते हो जो कि एक ही रहे, हम एक ही यूज करें, इसमें बहुत सारे कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस से ले सकते हो। जिसमें पिंक आती है, एक सिल्वर आती है, गोल्डन आती है, येलो, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं। लेकिन मेरे पास कोई मोनोटोन का इफेक्ट वाला लूज आई शेडो नहीं था, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। तो अगर आप भी बहुत मोनोटोन वाले को ट्राई करना चाहते हो आई शेडो को, लूज आई शेडोज को, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिगमेंटेशन की एक्चुअली में ये कैसी दिखती है। क्वांटिटी बहुत ही अच्छी खासी है, क्योंकि इतना बड़ा ये लूज आई शेडो है, ये लाइफ टाइम चल जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक्चुअली में कैसी दिखती है। सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है आपका जो ब्रश है, या ब्रश नहीं भी लगाते हो आप फिंगर से इसको लीजिए, और इस तरीके से इसको अपने आईलिड पे लगा लीजिए, जहां पे भी आपको लगाना है। इतनी प्यारी लगती है, मतलब बिल्कुल एक मोनोटोन इफेक्ट जैसा आता है ना, बिल्कुल इसको लगाने के बाद आपको मोनोटोन वाला ही इफेक्ट आएगा। तो ये बहुत बहुत प्यारी सी एक लूज आई शेडो है, जो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करनी चाहिए इसमें। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, 100 रुपीज के अंदर मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। अगर आपसे ये नहीं लग पा रही है, तो जो आपका मेकअप ब्रश है फ्लैट वाला, उसमें आप सेटिंग स्प्रे करके इस पे आप डालोगे, तो वो ऑब्वियसली उसमें लग जाएगी एंड आप फिर इजीली लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, मैं इसकी तारीफ कितनी करूं मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं तारीफ करते नहीं थकती हूँ। ये है ब्लू हेवन की हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड मैट लिपस्टिक है, एंड इसमें मेरा जो शेड है दैट इज 01 और 02 ब्राउन। ये कुछ इस तरीके के वॉन्ड के साथ आती है, 2 फुट का एप्लीकेटर आता है इसका। बहुत ही एक अच्छी मैट लिपस्टिक है, जो आपको जस्ट 90 रुपीज में मिल जाएगी। एंड ये एक ऐसी लिपस्टिक है ना, जो बिल्कुल भी नहीं लगता है लगाने पे कि आपने कुछ लगाया हुआ है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है और हमारे लिप्स को पकड़ के नहीं रखती है। बहुत सारे ऐसे लिपस्टिक्स भी, मैट लिपस्टिक स्पेशली, कि हमारे लिप्स को बहुत पकड़ के रखते हैं, हमें रियलाइज होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं है हमारे लिए, मतलब हमारे लिप्स के लिए अच्छी नहीं है। आप कितना भी लिप बाम लगा लो एंड ऑल कर लो, लेकिन वो लिप्स को ड्राई कर ही देती है। और ये एक ऐसी लिपस्टिक है ना, जो बहुत टाइम तक चल जाएगी। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मैं मार्केट गई थी एक बार, तो मैंने इसको ही लगाया था, और ये काफ़ी टाइम तक चल गई थी। जब तक मैंने हटाया नहीं था, तब तक ये नहीं हटी थी। हाँ, उस दौरान मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो मे भी हो सकती है इस रीज़न से वो हटी नहीं। लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट है, एंड अगर आप डेली बेसिस के लिए कोई लिपस्टिक लेना चाहते हो खुद के लिए, जो बिल्कुल भी नॉन ड्राइंग हो, मैट लिपस्टिक हो एंड कम प्राइस की हो, तो इसमें आप जरूर इन्वेस्ट करिए। ये बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्ट है। इवन आप इसको एज आई शेडो एंड कॉन्टोर के लिए, ब्लश के लिए, ब्राउन और न्यूड कलर के ब्लश आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप इसको एज अ ब्लश भी लगा सकते हो, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड होती है एकदम बटर की तरह। तो ये भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है अंडर 100 रुपीज। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी आपको जस्ट 90 रुपीज की मिल जाएगी फ्रॉम पर्पल। ये है वो प्रोडक्ट, एंड ये है NYBA की कॉन्टोर स्टिक। तो ये कॉन्टोर स्टिक है मेरे लिए, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, जैसे कि करेक्टर, जो ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर आते हैं, पर्पल करेक्टर आते हैं, एंड फाउंडेशन के शेड्स आते हैं, कंसीलर के शेड्स आते हैं, तो आपको ये स्टिक फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, आउटर पैकेजिंग तो पता नहीं कहाँ चली गई है। ये इस तरीके से लिपस्टिक के, जैसे बुलेट लिपस्टिक होती है, बस उसी तरीके की है, एंड ये कुछ इस तरीके की दिखती है। ये बिल्कुल एक कॉन्टोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टिक है, एंड कलर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से। मतलब मैं जो स्किन टोन की हूँ, मेरे हिसाब से ये शेड बिल्कुल बेस्ट है। एंड इसे कॉन्टोर इतने अच्छे तरीके से होती है ना, मतलब बिल्कुल बटर की तरह ब्लेंड होती है, बहुत पकड़ के नहीं रखती है फेस को, या तो बहुत टाइम नहीं लगाती ब्लेंड होने में, या हटती नहीं है बहुत जल्दी। तो स्टिक फॉर्म में आप अगर कोई कॉन्टोर अपने लिए ढूंढ रहे हो, या कंसीलर ढूंढ रहे हो, या करेक्टर ढूंढ रहे हो, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। आपको 90 रुपीज़ ये कॉस्ट करती है, 90 रुपीज़ से भी कम प्राइस में मिल जाएगी। सो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, एंड इसमें जो मेरा शेड है दैट इज टोस्ट। तो अगर आप कॉन्टोर करने के लिए कोई स्टिक चाहते हो, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, आप अपने स्किन टोन हिसाब से अपने कॉन्टोर स्टिक को ले सकते हो। अंडर 100 रुपीज की आई शेडोज मिलना बहुत 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 टफ है, लेकिन ये एक ऐसा आई शेडो है, ये सिंगल आई शेडो है, ये एक ऐसी आई शेडो है ना, जिसकी पिगमेंटेशन इज बॉम्ब, और ये एकदम पिद्दू सी है, और इसमें मैग्नेटिक पैकेजिंग है,
तो कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। मुझे गोल्डन की नीड थी तो इसलिए मैंने गोल्डन लिया है। और ये आपको जस्ट मिल जाएगी 60 रुपीज में फ्रॉम NY बे पर्पल से। तो आप पर्पल से इसे ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी एक सिंगल आई शेडो है जिसकी पिगमेंटेशन बॉम्ब है। आई डोंट नो आपको ये दिख रही है या नहीं, बट इसकी पिगमेंटेशन इज बॉम्ब। बहुत ही सुंदर लगती है, बटर की तरह ब्लेंड होती है। एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं पर्पल पे। तो आप अपने हिसाब से, आपको सिंगल कलर चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। और इसका पैन इतना भी छोटा नहीं है कि आप इसे नहीं चला पाओगे लाइफ टाइम। अगर आप बहुत कम मेकअप करते हो तो आप इजिली इसे लाइफ टाइम चला लोगे। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके आईज में बिल्कुल सेट हो जाती है। ज्यादा फॉल आउट भी नहीं है इसमें और बहुत ही क्रीमी सा भी टेक्सचर है इसका। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है लगाने पे। सो दिस इज ऑल्सो अ मस्ट हैव प्रोडक्ट अंडर ₹100। ओके, नेक्स्ट एंड जो लास्ट मस्ट हैव प्रोडक्ट है, दैट इज दिस स्विस ब्यूटी की ये आई लैशेज। आई नो आप लोग जानते होंगे कि स्विस ब्यूटी के लैशेज ₹100 के अंदर मिलते हैं, बट स्टिल अगर आप में से कोई है जो नहीं जानते हैं, ये बहुत ही अच्छे लैशेज हैं। ये मस्ट हैव लैशेज हैं अगर आपको ये एक ओरिजिनल जो लैश का इफेक्ट आपको मिल सके, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ओरिजिनल से लैशेज लगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्विस ब्यूटी के लैशेज है जो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरा लैशेज है ये बहुत विस्पी वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग आपको नेचुरल इफेक्ट वाले या तो हैवी इफेक्ट वाले हैं, पार्टीज के लिए, शादीज के लिए, एंड बहुत हैवी वाले। जैसे ये आप शादीज में नहीं करके जा सकते और बहुत ही ये हैवी और विस्पी वाला इफेक्ट आपको देती है, तो आप ये तो पार्टीज में नहीं लगा के जा सकते हो। आपका जो भी मतलब आपको जिस टाइप के भी लैशेज चाहिए होंगे वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। एंड आपको 80-90 रुपीज के इनके लैशेज मिल जाएंगे। तो इसके लैशेस को आप नजदीक से देखिए कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है। मतलब कोई भी बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि ये जो लैशेस हैं ये फॉल्स हैं। तो ये एक ऐसे लैशेस है ना जो आपको बिल्कुल चाहिए, एंड ये 3D इफेक्ट देते हैं आपके लैशेस को एंड आपके आई लुक को एक अलग ही लेवल का लुक दे देते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं ना चार चांद लगा देना, तो ये लैशेस लगाने के बाद आपके आई लुक में चार चांद लग जाएंगे। तो ₹100 के अंदर में ये भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। सो दीज वर ऑल दी प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आपको जस्ट ₹100 के अंदर मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे। बट हाँ, इसमें से कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको सिर्फ पर्पल पे मिलेगी, एंड कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट एंड ऑल में मिलेगी। तो वो मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, आई गारंटी यू ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस सभी के होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते। अगर अच्छे हैं तो उसमें थोड़े बहुत बुरे भी होते हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से लेना है कि आप किस स्किन टाइप के हो। जैसे फाउंडेशन एंड ऑल में आपको अपना स्किन टाइप, स्किन टोन, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के लेना होगा, तब जाके वो काम करेंगी आपके लिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रहे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपकी फ्रेंड्स भी देख सकें एंड वो भी ₹100 के अंदर में मेकअप प्रोडक्ट्स ले सके। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, बाय बाय, टेक केयर।